हेलो गाइस, आई एम अशोक। दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। आप सबका स्वागत है ऐश ब्लॉग में। तो ये ट्रैवल ब्लॉग रहेगा। मैं जा रहा था हरिद्वार घूमने, तो सोचा भाई ब्लॉग स्टार्ट करना है तो इसी पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं जा रहा था न्यू दिल्ली स्टेशन, क्योंकि हरिद्वार के लिए वहाँ से मेरी ट्रेन है। तो देख सकते हैं आप कि मतलब ये तो लाइट का रोशनी है, बट अभी भी अंधेरा है, कोई जागा नहीं है अभी तक, सब सो ही रहे। तो चलिए आगे मिलते हैं। हूँ हाईवे के पास और यहाँ से मुझे ऑटो पकड़नी है न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए। मेट्रो भी है बट मेट्रो में जा नहीं सकते इतने सुबह, मेरे को पता नहीं है कि मेट्रो कितने बजे से चलता है। और मैं आप सबको एक चीज़ बताना भूल गया कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त सोविक भी रहेगा। जरा वो रहा, अभी वो पीछे देख रहा है, थोड़ी देर में उसको शक्ल दिखाता हूँ। सोविक इधर देख, शर्मा रहा है भाई वो। सुबह ऑटो मिलना बहुत टफ रहता है, बट मिल गई है। और अभी तो लोग अंधेरे अंधेरे में चल रहा है, बट उजाला होएगा, बहुत जल्दी होगा। तो ये है दिल्ली मॉर्निंग की ट्रैफिक, देख सकते हो आप। दिल्ली में सुबह भी कितना ट्रैफिक रहता है। और ये रहा हमारा न्यू दिल्ली स्टेशन। तो आ गए हम न्यू दिल्ली स्टेशन, आई मीन रेलवे स्टेशन। और हमारी ट्रेन है यहाँ से 6:45। तो ये रहा दोस्तों हमारा दिल्ली स्टेशन, देख सकते हो भाई कितना भीड़ है। और ये रहा हमारा भारत का प्यारा सा झंडा। 4 बजे 12 बजे सुबह सुबह भाई दिल्ली में इतना भीड़ रहता है, तो हमको जाना है उस तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं न्यू दिल्ली स्टेशन पहुंच चुका हूं और मेरी ट्रेन आधा घंटा लेट है, तो वेट करते हैं आधा घंटा ट्रेन का, ठीक है। तो फाइनली गाइस अभी हमारे ट्रेन का टाइम दिखा दिया है, मतलब 16 नंबर प्लेटफॉर्म में आएगी। तो अभी हम जा रहे हैं 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो फाइनली मुझे मेरी ट्रेन दिख गई भाई। मेरा साउंड तो दवाई दे रही है ये स्पीकर वाली आंटी, कुछ भी बोल रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा है। तो अभी हमारे को जाना है C8 पे। तो फाइनली ट्रेन आ गई भाई आधे घंटे वेट करने के बाद। तो चलो अब ट्रेन में चलते। तो फाइनली गाइस मुझे मेरा कोच मिल गया C8 और मेरा सीट नंबर है 43-44। तो अब चलता हूँ ट्रेन में। तो गाइस मुझे मेरा सीट मिल गया 43-44। तो अभी हम अपने सीट पे विराजमान हो चुके हैं, तो अब ट्रेन स्टार्ट होने का वेट है। तो गाइस मैं अपने सीट पे विराजमान हो चुका हूँ और मेरे साथ मेरा दोस्त वो भी है, जिससे मैंने आपको अभी तक अच्छे से नहीं मिला है। तो ये रहा मेरा दोस्त। तो फाइनली हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है भाई। मिरर बहुत गंदा है इसलिए पिक्चर क्वालिटी बहुत वाही याद आ रही है। तो चलो अब जर्नी को एंजॉय करते हैं। हमें जाना हरिद्वार, जो कि 320 किलोमीटर जैसा है और ट्रेन से शायद 5 घंटे 40 मिनट जैसा लगता है। तो 5 घंटे अभी हमको इसी ट्रेन में बैठने हैं। चुके हैं, ये रहा हरिद्वार स्टेशन। हरिद्वार में क्या व्यू है भाई, पहाड़ वगैरह वो रहे दिखेंगे, वो रहे पहाड़ वगैरह, धुंध के कारण दिखाई नहीं दे रहे। एक नंबर प्लेटफॉर्म में दे रही है गाइस हमारी ट्रेन। तो फाइनली गाइस मैं हरिद्वार पहुंच गया। तो भाई लंबी भीड़ लग रखी है उतरने के लिए। उतर गए भाई हरिद्वार।
स्टेशन से आउट कर रहे हैं और आउट करते ही दिख गए मेरे को महादेव। ये रहा हरिद्वार स्टेशन जो बाहर से ऐसा दिखता है। और देखो दोस्तों हरिद्वार स्टेशन से एग्जिट करते ही सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को क्या दिखे, और ये देखो महादेव बैठे हुए हरिद्वार में। महादेव तो सब जगह बैठे हुए लेकिन यहाँ भी बैठे हुए हैं। देवों के देव हर हर महादेव। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, बहुत लंबा रास्ता तो अभी चल ही रहे, तो चलो चलते थोड़ा साथ में चल लेते सब। भाई मैं 15 मिनट से चल ही रहा हूँ अभी भी, जिससे भी पूछो बोलते 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर बोल के भाई 2-3 किलोमीटर चलाए दिया मेरे ख्याल से, और अभी भी कितना दूर मुझे जाना है मुझे पता नहीं, लेकिन जिससे भी पूछो सब बोलते हैं सीधा जाना है सीधा जाना है। अब सीधा किस तरफ जाना है कुछ पता नहीं। तो भाई अभी जो पुलिस वाले बैठे थे इनसे हमने पूछा कि घाट कितने दूर है, तो इन्होंने बोला एग्जैक्टली 1 किलोमीटर, और ये लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं, तो मतलब अभी हम लोग को 1 किलोमीटर चलना है वो भी इतना भारी भारी लगेज लेके, तो आए तो चलना ही पड़ेगा। तो भाई अभी भी हम लोग चले ही रहे। ये सब जो नाले देख रहे हो ना, हम लोग नाले मतलब नाले ही कह सकते हैं इसको, कहा जाता है जब केदारनाथ में बाढ़ आया था तो ये सब पूरे भर भर गए। ये सब दुकान कितने बढ़िया लग रहे हैं, सामान ही सामान है ये सब में भगवान के पूजा वगैरह के। यहाँ से 1 किलोमीटर बोला यार, 200 मीटर ऐसे तो चली गए होंगे अब तक हम लोग। तो गाइस अभी हम आ गए हरिद्वार मेन मार्केट मतलब हर की पौड़ी के पास, या गंगा घाट जो भी बोलो, क्योंकि तो मुझे पता नहीं आया। तो फाइनली गाइस अभी हमने रूम ले लिया है गंगा घाट से, मतलब हर की पौड़ी से 2 मिनट के रास्ते में, जिसका नाम है लाज गंगा महादेव। तो यहाँ है हमारा रूम, रूम उतना कुछ खास नहीं है क्योंकि भाई बहुत महंगे हैं यहाँ पे रूम जो हमने लिया, मतलब उतना खास भी नहीं है, फिर भी 800 रुपये उसका चार्ज है, अब इससे सस्ता तो मिलने से रहा भाई। ये रहा मेरा भाई वेट कर रहा है, ये लगेज था भाई देखो, ये रूम है अपना, ये है छोटा सा रूम। तो गाइस अभी मैं अपने रूम का आ चुका हूँ और बुरी तरीके से भीग चुका हूँ, तो सोचा अभी नहा धो के रेस्ट करके थोड़ा फिर चलेंगे हर की पौड़ी में, क्योंकि रेस्ट ज़रूरी है यार, कंधा वंधा सब बहुत दर्द करा, पैर दर्द करा, क्योंकि 3 किलोमीटर हम लोग वॉक करके आए ये सब लगेज लेके। देखो भाई मेरे पास तो ये 2 बैग था, एक में मेरा सामान है, दूसरे में मेरा लैपटॉप और कैमरा का एक्सेसरीज है और चार्जर वगैरह ये सब है, और ये भाई का ये बैग, हाँ वो बैग। तो अभी थोड़ा नहा धो लेते हैं फिर निकलते हैं गंगा घाट के लिए। तो गाइस अभी मैं अपने रूम से निकल चुका हूँ और मुझे जाने सीधे, तो सीधे इस तरफ आता है हर की पौड़ी घाट, तो अभी चलते हैं हम सब सीधे। आ गया हमारा हर की पौड़ी घाट। यार ये व्यू रात को ज़्यादा सही लगता है पता। तो मेरा दोस्त रॉबिन शायद इस तरफ वेट कर रहा है मेरी, तो पहले उसके पास जाते हैं फिर यहाँ से डिसाइड करते हैं किस तरफ जाना है, क्योंकि वो यहाँ का लोकल है, उसको सब कुछ पता है भाई किधर जाना है किधर नहीं जाना है। अभी आ चुका हूँ हर की पौड़ी के गेट पे, मेन गेट तो है नहीं, पता नहीं कौन सा गेट है, बट यही वाला गेट मेरे को दिखा पास मेरे, तो मैं आ गया। तो व्यू देख सकते हो भाई, वो देखो महादेव उस तरफ घूम के खड़े, अभी जाएंगे वहाँ भी, महादेव तब हमारे तरफ देख रहे होंगे। तो अभी आप व्यू देखो भाई, वो देखो सब नहा रहे भाई। भाई ये शू स्टैंड है, अगर किसी को शू वगैरह रख के नहाने वगैरह जाना है तो यहाँ शू रख सकता है, 10 रुपये लेते होंगे शायद,
उससे ज़्यादा क्या ही लेंगे वो देखो भाई। पिछले बार मैंने भी ये सब किया था, कूद गया था और यहाँ से चेन पकड़ खड़ा था। वैसे गहरी नहीं होती है, कमर तक आएगी ये पानी। देखो भाई यही लोग लाइफ के असली मज़े ले रहे हैं। गहरा नहीं है भाई, अगर लगता है ये गहरा है तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी कमर तक पानी आएगा, मैक्सिमम कमर तक। वो जो पुल देख रहे हो ना, वो जो नीचे वो जगह गहरा है भाई। हाँ घुस जाओगे भाई, फिर निकलोगे नहीं, एक बार घुस गए तो। वो तैर रहा है भाई, देखो उसको। अभी अपने दोस्त रॉबिन से नहीं मिला है जो यहाँ का लोकल है। ये देखो मेरा दोस्त रॉबिन शोविक के साथ आ रहा है। रॉबिन भाई हाई कर दे। ये सब फूल की मार्केट है भाई, जैसे मतलब भगवान को चढ़ाना वाला ना हो। यहाँ से लोग ये ड्रम वगैरह लेके गंगा जल घर लेके जाते हैं। भीड़ बहुत है भाई, अभी बहुत भीड़ है। अभी तो शायद कम है, थोड़े दिन पहले और होती। भाई फ्लो देख रहे हो पानी का, चलो वहीं किनारे वगैरह में चलते हैं जहाँ अच्छा व्यू है। लो बहुत ज़्यादा यार पानी का, और ये जो की लाइन वगैरह देख रहे हो ना, इसके आगे भाई गहरा है, बंदा घुस जाएगा। रॉबिन भाई ये सब कितना गहरा होगा, बंदा घुस जाएगा नहीं भाई इसमें तो। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ महादेव के पास, महादेव की बड़ी सी मूर्ति जो है वहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ भी मतलब मार्केट बैठता है एक छोटा सा, और शाम को आरती होगी, आरती दिखाऊंगा भाई आप सबको। वो देख रहे हो वहाँ से आ रहा है पानी। भाई ये तो क्या, ये लेजेंड लोग ही समझ पाएंगे। ये सब छोटे मोटे दुकान हैं, अगर आपको भगवान को कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ाना है या यहाँ से मेमोरी कुछ लेके आनी है, भगवान की मूर्ति वगैरह कुछ भी, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड ये सब शॉप है। देखो बुलेट से खेल रहा है। देखो भाई कैसे ये बच्चे मैग्नेट रस्सी में बांध के फेंक रहे हैं कि जैसे पैसे वगैरह या फिर कुछ लोहे की चीज़ें होंगी वो इसमें चिपक के आ जाएंगी। सिक्के सिक्के वगैरह मिलते हैं भाई, कितने मिल जाते हैं दिन भर में? दूर में फेंक भाई, कुछ आएंगे 50-40 रुपए दिन के।
तो भाई बता रहा है 50-40 रुपए दिन के आ जाते हैं इसको। सही है, इतने तो भाई मेरे को 10th क्लास में आके मिलते थे 50-40 रुपए दिन के। भाई अब महादेव दिखने लगे क्लोज से एकदम, अभी हम और क्लोज से देखेंगे। उसके लिए हमको यहाँ से वो ब्रिज पार करके वहाँ से सामने से वहाँ फ्रंट में जाना पड़ेगा, तो अभी वहीं जा रहे हैं हम। तो भाई आ गए हम ब्रिज पे और यहाँ से महादेव और थोड़ा क्लियर दिखने लग गए। अभी शाम होता ना, थोड़ा अंधेरा होता तो यार खतरनाक व्यू आती कसम से। तो भाई आ गए हम अभी महादेव के मेन गेट पे। ये दिख रहे हैं महादेव भाई। खाने की चीज़ें बैठी है, कुलचा ऐसा है, ब्रेड और कुलचा यार, मतलब छोले और कुलचे यार, ब्रेड और कुलचा क्या ही हम कह रहा है, छोले और कुलचे। कितनी बड़ी मूर्ति है भाई, तो ये इसका किनारा है। उस तरफ से हम लोग आए थे, वो जो सीढ़ियाँ दिख रही है ना उधर, इधर से ये वाले रास्ते से हम लोग आए अभी। तो गाइस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं आरती की तरफ, क्योंकि अभी शाम होने को आ गई है और आरती स्टार्ट होगी, तो आरती देखने जा रहे हैं। वापस से हमको इस तरफ से निकल के फिर ब्रिज चढ़ के उस तरफ से घूम के आरती में जाना है। वो देखो भाई, क्रिश मिल गया मेरे को पानी में दौड़ने वाला भाई। क्रिश है भाई, ये सब पानी में दौड़ रहे हैं। मेरे को लगा भाई पानी बहुत गहरा होगा, ये लोग के तो घुटने तक भी नहीं आया पानी। तो भाई अभी हम वापस ये मार्केट की तरफ आ चुके हैं, हर की पौड़ी की मार्केट में, क्योंकि अभी हमको शाम की आरती देखनी है। तो अभी आरती की तरफ जा रहे हैं और आरती होने का वेट करेंगे। तो गाइस अभी हम सब हर की पौड़ी घाट में घूम रहे हैं, सब तो नहा रहे हैं लेकिन हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। नहाएंगे अपन भी ज़रूर, बट अभी वैसा कपड़ा वपड़ा पहने नहीं है तो नहाएंगे। भाई भीड़ देख सकते हो, मतलब इतना भीड़ है, इतना भीड़, और अभी तो शाम की आरती होगी, भीड़ तो डबल हो जाएगा। और यार ये मतलब अभी तो सीज़न नहीं, अभी तो बारिश का सीज़न है तो बोल के पानी बहुत गंदा हो गया, नहीं तो ऐसे टाइम में क्रिस्टल क्लीन रहता है पानी। और अभी तो मतलब पहाड़ वगैरह में बारिश हो रहा है ना, तो मिट्टी के पानी मिल के अभी आ जा रहे, नहीं तो भाई यहाँ के हर की पौड़ी की पानी बहुत क्लीन रहती है। चलो मैं आपसे आपको गंगा घाट दिखाता हूँ। तो इस तरफ घाट है जहाँ पे लोग नहाते हैं, पिछली बार मैं भी आया था तो मैं इस तरफ ही नहाया था। वो देखो महादेव, वो देखो महादेव, उस तरफ दिखेंगे आप सबको। अरे ट्रैक्टर वगैरह से कचरा वगैरह साफ करते हैं, तो घाट में जा रहे। ये सब शायद टिकट, ये सब टिकट वगैरह शायद वो घाट में नहाने के लिए या कपड़ा चेंज करने के लिए शायद यूज़ करते होंगे। और चलो मैं अभी आप सबको घाट में लेके चलता हूँ। तो ये है घाट भाई, इसका फ्लो इतना तेज़ है ना लिटरली, कि कोई बंदा अगर जाएगा बीच में तो भाई सीधा डूब जाएगा, अगर उसको स्विमिंग नहीं आती होगी तो। मेरे को तो आती है भाई अच्छे से, बट फिर भी मेरी ठंडे पानी में फटती है, कि ठंडे पानी में भाई स्विम नहीं कर पाता हूँ, वो मेरी थोड़ी पर्सनल इशू है। बाकी इसका फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, उस तरफ से पहाड़ से पानी आता है, उस तरफ डैम है शायद, उस तरफ डैम है ना भाई, डैम के तरफ से पानी आता है, मतलब पहाड़ों वालों से, मतलब अभी तो भाई पहाड़ों में पूरी बारिश हो रही है गंदी वाली एकदम, तो इसलिए पूरा पानी का कलर चेंज हो रखा है, नहीं तो इस टाइम पे पानी पूरे क्रिस्टल क्लियर रहते हैं। इस टाइम पे नहीं, मतलब जब बारिश नहीं होता है, विदाउट बारिश वाले मौसम में क्रिस्टल क्लियर रहती है। और इस तरफ में भी शायद लोग नहा रहे होंगे, हाँ इस तरफ में। आगे क्या है मेरे को पता नहीं, तो चलो देख के आते हैं आगे क्या है।
वैसे ये सब भगवान के फूल वगैरह है, अगर आप भगवान को मतलब चढ़ाना चाहे, और ये सब ड्रम वगैरह मतलब गंगा जल ले जाने के लिए, जैसे कोई अगर गंगा जल वगैरह लेके जाना चाहे तो घर अपने या अपने फैमिली मेम्बर को अगर हरिद्वार घूमने आया तो घर वाले बोलते हैं ना कि भाई गंगा जल हमारे लिए लेके आना, तो सब तो बोतल लेके घूमते नहीं है, और इतनी बड़ी फैमिली रहती है सबकी, एक लीटर दो लीटर की बोतल में होती नहीं है, तो इसलिए ये पाँच पाँच लीटर वाले भाई बैरल रखे रहते हैं कि भाई इसमें लेके जाएंगे। वैसे तो जगह बहुत सही है यार, अभी शाम की आरती होगी ना तो भाई इतना सही लगेगा यहाँ पे, ऐसा लगेगा कि भाई मतलब कहाँ आ गए हम, इतना बढ़िया मौसम है। मैं जब पिछली बार आया था तो मेरे साथ मेरे दोस्त लोग थे, तो उन लोगों ने मेरे को यहाँ पे लेके आए थे, वो लोग मेरे को यहाँ पे लेके आए थे, बोला कि भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। ये सब हेलीकॉप्टर तो यार बचपन में मेला में चढ़ाते थे। इस तरफ शायद आरती के लिए भीड़ लगा रखी है, इस तरफ शायद आरती के लिए भीड़ लगा रखी है, तो चलो जाके देखते हैं क्या हो रहा है। इस तरफ वो स्क्रीन में देखना, आरती दिखा रहे हैं स्क्रीन में, तो कैसे आरती होती है वो स्क्रीन में दिखा रहे हैं। आरती इस तरफ होती है शायद, आरती उस तरफ बैठ के शायद पंडित जी करते हैं। लगा ली भाई, लगा ली। वो देखो फॉरेनर लोग भी बैठे हुए हैं फोटोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो भाई आरती स्टार्ट हो चुकी है, हर हर गंगे हर हर महादेव। यार बड़ा सुकून सा मिलता है पता, इधर आके मतलब अगर बैठ जाओगे ना हर हर महादेव, मतलब आके 10 मिनट बैठ जाओगे ना तो यार जितना भी टेंशन हो जितना भी दुख हो सब तो मतलब 10 मिनट के लिए तो गायब हो जाएगा, इतनी मैं चैलेंज दे सकता हूँ भाई किसी को। तो भाई आरती स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग भीड़ से थोड़ा हटके इधर खाली जगह में आ गए आरती को अच्छे से देखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और इतने भीड़ पे वहाँ खड़े रहना और अच्छे से आरती देखना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे खड़े रह के आरती खत्म होने का वेट करेंगे, और जब आरती खत्म हो जाएगी यहाँ से थोड़ा फोटो वोटो क्लिक करके अपने रूम पे चलते बनेंगे। तो आप सब भी आरती सुनिए और एंजॉय कीजिए। तो फाइनली गाइज अभी आरती ख़त्म हो चुका है, और उस तरफ देखो आरती की भीड़ देखो उस तरफ। माँ गंगा मंदिर आरती का प्रसाद और चंद्रमृत गंगा माता मंदिर के सामने से प्राप्त, देख सकते हो आप लोग की गंगा माँ की आरती लेने के लिए कितना भीड़ है, और उस तरफ जाने के लिए हमको शू खोलना पड़ेगा, और इधर शू खोलने का जगह नहीं है तो हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे, इस तरफ सीधा घूम के आएंगे। कसम से इस तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी हम जा रहे हैं गंगा घाट की तरफ, उधर से आरती देखेंगे देखने में कैसा लगता है उस तरफ से, क्योंकि इस तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है, खड़े रहने नहीं दे रहे, डांट के हटा दे रहे। और यार आप लोग गंगा की तरफ भीड़ देखना, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं घूम हो गया हूँगा, मेरा कैमरा मैन मेरे को कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं आई डोंट नो, बट मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। इस तरफ चलते हैं, रात के टाइम इसका फ्लो देख सकते हैं आप लोग गंगा का। आप सब भाई फ्लो देख सकते हैं गंगा का कि कितना ज़्यादा फ्लो है यहाँ पर, और मतलब रात का व्यू देखोगे कितना बढ़िया व्यू। आसपास आप कैमरा आपको घुमा के दिखा दूँ, आप सब देखना कि कितना बढ़िया लगता है रात को। और मैं हर बार एक ही चीज़ कहूँगा कि भीड़ देखो आप लोग, रात को भी इतने ठंडे पानी में लोग नहाने के लिए मतलब आ रहे हैं, मतलब रात को तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी रहता है यहाँ पे, फिर भी लोग अभी रात को ठंडा पानी से नहा रहे हैं।
गाइस फाइनली आरती ख़त्म हो चुकी है और आरती के साथ हमारा आज का व्लॉग भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी जगह पे अलग और मज़ेदार ब्लॉग के साथ।